मैं सुंदर नगरी के सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। सुंदर नगरी के एल ब्लॉक में प्राइमरी स्कूल में कम कमरे थे और बच्चों को दिक्कत होती थी, जिसके लिए बच्चों की डिमांड थी कि नए कमरे बने। चार नए कमरे बनके तैयार हुए, उसका उद्घाटन किया। दिल्ली का जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है उसको मजबूत करेंगे, क्योंकि बुनियाद मजबूत होगी तो फिर इमारत मजबूत होगी, और बुनियाद अगर कमजोर रहती है तो इमारत को मजबूत करना बड़ा मुश्किल होता है। दिलशाद गार्डन वार्ड के अंदर कुछ जगह पर गंदे पानी की शिकायतें आती थी, और उसके जब जांच की तो पता लगा कुछ जगह पर सीवर की लाइन टूटी हुई है, और ऐसी हालत में जिसको बदलना जरूरी था। मुझे खुशी है कि आज उन दो जगह पर दिलशाद गार्डन में सीवर की लाइन बदलने का उद्घाटन किया, तो मैं समझता हूँ लोगों की ये समस्या खत्म होगी। सीमापुरी वार्ड में सीसीटीवी कैमरे का काम शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ कि सीसीटीवी कैमरे लग जाने के बाद जिस तरह चोरी की घटनाएं या क्राइम जिस तरह नज़र में आता था और लोगों की शिकायत रहती थी, ये सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद वहाँ लोगों में एक सुरक्षा का भाव पैदा होगा, विशेष तौर पर महिलाओं में सुरक्षा का भाव पैदा होगा। सुंदर नगरी के अंदर एक बच्चा किडनैप हुआ था, और हमने जब वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उसमें एक व्यक्ति बच्चे को ले जाता हुआ नज़र आया। जब उस चीज़ को हमने सोशल मीडिया पर डाला तो चार दिन के अंदर जो किडनैपर थे वो बच्चे को अपने आप सुंदर नगरी में छोड़कर चले गए और वो बच्चा रिकवर हो गया।